न्यूरल नेटवर्क क्लास 9 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये लास्ट यूनिट है। इस कंप्लीट यूनिट में, इससे ठीक पहले वाली यूनिट में हमने एआई प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में पढ़ा। एआई प्रोजेक्ट साइकिल की एक जो ओल्ड स्टेज है वो रही हमारी मॉडलिंग स्टेज। पहली स्टेज क्या होती है एआई प्रोजेक्ट साइकिल की? प्रॉब्लम स्कोपिंग। सेकेंड स्टेज डेटा एक्विजिशन। प्रॉब्लम स्कोपिंग में हम ये पता करते हैं कि हमें किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उसके क्या क्या स्कोप है, कहां कहां तक वो प्रॉब्लम फैली है। सेकेंड स्टेज डेटा एक्विजिशन स्टेज है, जिसमें हम ये बात करते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या क्या डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। तीसरी स्टेज आती है डेटा एक्सप्लोरेशन। अब जो ये डेटा एक्वाइज किया है, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, इस डेटा को इस तरीके से अरेंज करते हैं, ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ताकि ये डेटा कोई ट्रेंड बना सके, ये डेटा कोई पैटर्न को डिफाइन कर सके। अब उसके बाद एक स्टेज आती है मॉडलिंग स्टेज। मॉडलिंग स्टेज में कहा जाता है कि आपके पास में प्रॉब्लम भी पता चल गई, आपको ये भी पता चल गया कि प्रॉब्लम तो मेरे पास में ये है, और सेकेंडली उसके लिए मुझे क्या क्या सोल्यूशन के लिए डेटा चाहिए वो भी मेरे पास में आ गया। एंड द थर्ड वन, फिर मैंने उस डेटा को अरेंज भी कर लिया फॉर्मेशन के अंदर। अब जरूरत क्या पड़ती है? अब जरूरत पड़ती है कि मैं इस डेटा के साथ में कौन सी टेक्निक अपनाऊं। मॉडलिंग स्टेज पर हम जनरली एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, और हम एआई मॉडल को ट्रेनिंग देते हैं, और हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इस मॉडलिंग की टेक्निक से मेरी जो मशीन है वो परफेक्ट रिजल्ट मुझे दे दे। जैसे एआई मॉडलिंग में हमने दो मॉडलिंग के ऊपर बात की। पहली मॉडलिंग जो ये मेरी अप्रोच है, दो तरीके की अप्रोचेज हम मशीन के साथ में काम करते हैं। पहली अप्रोच होती है मेरी रूल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच क्या कहती है? रूल बेस्ड अप्रोच कहती है डेवलपर फीड्स इन डेटा अलोंग विद सम ग्राउंड रूल्स टू द मॉडल। यहां पे क्या हो रहा है, हम डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं एआई मॉडल को, रूल्स भी दे रहे हैं। देखो दो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ये ग्राफ देखें तो ये कहता है कि मैं रूल्स भी बता रहा हूं, डेटा भी दे रहा हूं, और मुझे क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है। जैसे मैंने कहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये एक इक्वेशन है, यानी कि ये क्या है, रूल है। और मैंने कहा ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रिजल्ट निकाल सकते हैं। आपके पास दोनों चीजें हैं, आपके पास में डेटा भी है और इक्वेशन भी है। आपको पता है कि आपने किस डेटा पे काम करना है और किस तरीके से काम करना है। जैसे घर में अगर मुझे किसी ने बता दिया, मम्मी ने मुझे एक बार सिखाया कि बेटा चाय ऐसे बनानी है, चाय बनाने के लिए मुझे मम्मी ने एक बार किचन में मुझे थोड़ा गाइड कर दिया, तो अब मेरे को पता है कि किचन में सामान कहां रखा है। सामान मेरा क्या है, वो डेटा है, चाय पत्ती, चीनी, पानी, ठीक। अब उसको कैसे प्रोसेस करना है, ये मेरे पास में क्या है, रूल्स है मेरे पास में। अब वो रूल्स और वो इंग्रेडिएंट दोनों मिलाकर के रेसिपी और मेरी पूरी डिश तैयार हो जाएगी, कुछ भी चीज प्रिपेयर कर सकते हैं। तो रूल बेस्ड अप्रोच में दो चीजें हमारे पास होती है। नंबर एक, हमारे पास में हमारे रूल्स होते हैं, मशीन के पास अपने रूल्स होते हैं, जिसे कौन बताता है, डेवलपर बताता है। डेवलपर कौन होता है? डेवलपर हम होते हैं या वो पर्सन होता है जिसने एआई मॉडल को ट्रेन किया होता है या कर रहा होता है, राइट। द मॉडल गेट्स ट्रेन्ड विद दीज इनपुट्स एंड गिव्स आउट आंसर इन द फॉर्म ऑफ प्रेडिक्शन, और इसके आधार पर एआई मशीन कुछ प्रेडिक्ट करके हमें दे देती है। तो ये एक जनरल अप्रोच है, बेसिक अप्रोच है, जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। हमें पहले कोई कुछ बताता है कि कैसे करना है, किसके साथ करना है, और फिर हमें रिजल्ट मिल जाता है। बट अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दूसरी अप्रोच के बारे में। ये दूसरी अप्रोच है लर्निंग बेस्ड अप्रोच। ये लर्निंग बेस्ड अप्रोच कमाल की है, इसमें कुछ इनोवेटिव करने के लिए मिलता है, इसमें कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। क्या सीखने के लिए मिलता है? यहां अगर डायग्राम देखें तो ये कहता है मैं आपको दे रहा हूं डेटा और मैं आपको दे रहा हूं आंसर, यानी कि मैंने कहा ए में 5 है, बी में 7 है, और रिजल्ट मान लो, ये गलत हो सकता है, मैं ऐसे एक फिगर बोल रहा हूं, 65। अब मैंने आपको ए की वैल्यू बताई, बी की वैल्यू बताई, और मैंने एक आंसर भी निकाल करके दिया, आंसर है मेरा 65। अब ये 65 ए और बी की वैल्यू से कैसे बनेगा,
रूल क्या होंगे, एल्गोरिदम क्या होगी, डिजाइनिंग की टेक्निक क्या होगी, ये टेक्निक निकालने का काम कौन करेगा? दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग अप्रोच। मशीन लर्निंग अप्रोच में हमारे पास में डेटा होता है, हमारे पास आंसर होते हैं और मशीन अपनी एल्गोरिदम खुद बनाती है। रूल बेस्ड में क्या हो रहा था? एल्गोरिदम कौन बना रहा था? डेवलपर बता रहा था कि कैसे काम करना है। यहां पे क्या हो रहा है? डेवलपर फीड्स इन डेटा अलोंग विद द आंसर। यहां पे डेटा दिया जा रहा है और आंसर दिया जा रहा है। डिजाइन इट्स ओन एल्गोरिदम एंड मेथोडोलॉजीज टू मैच द डेटा विद आंसर एंड गिव्स आउट द रूल्स। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको एक वैल्यू देता हूं 7, दूसरी वैल्यू मैं आपको देता हूं 7, अब मैंने कहा आंसर है 14, बताओ तो क्या रिलेशन है, क्या है? एडिशन है, 7 + 7। अब ये 7 7 दो वैल्यू से 14 निकालना, तो आपने तुरंत लगाया आइडिया, आपने अपना माइंडसेट चलाया, आपने कहा कि सर रूल्स तो ये कहता है कि एडिशन की वजह से 14 आ सकता है, राइट? बिल्कुल सही बात है ना। तो ये रूल्स बनाने का काम मशीन यहां पर करती है, मशीन लर्निंग अप्रोच में ये काम होता है। तो कितनी अप्रोचेज हैं एआई मॉडल पे काम करने के लिए? दो कॉमन अप्रोच हैं, एक रूल बेस्ड, दूसरी लर्निंग बेस्ड। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ एआई मॉडल्स के बारे में और बात करते हैं जो हमारी बुक और डीपली हमें एक्सप्लेन करना चाहती है और हम भी इसको समझते हैं। पहली टेक्निक एआई मॉडल में, दो और टेक्निक आती है, एक आती है सुपरवाइज लर्निंग और दूसरी आती है अनसुपरवाइज लर्निंग। जैसा कि इनका नाम है सुपरवाइज लर्निंग, यानी कोई सुपरवाइजर है, कोई तो है जो गाइड कर रहा है, राइट? रिग्रेशन टेक्निक कहती है आई एम अ रूल बेस्ड सुपरवाइज लर्निंग एआई मॉडल। मैं एक रूल बेस्ड मॉडल हूं। रूल बेस्ड का मतलब मैं डेटा भी दूंगा, रूल भी दूंगा और आंसर भी निकालूंगा, क्योंकि गाइडेड चल रहा है, सुपरवाइज्ड है। और इसमें क्या होगा, एल्गोरिथम जनरेट्स अ मैपिंग फंक्शन फ्रॉम द गिवन डेटा रिप्रेजेंटेड बाय द सॉलिड लाइन। देखिए यहां पे ये ग्राफ क्या कहता है, यहां पे आपको कुछ डॉट्स नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं डॉट्स दिख रहे हैं? Yes, sir. ये रिग्रेशन के डॉट्स हैं। रिग्रेशन के डॉट्स क्या समझाते हैं, ये कॉन्टिन्यूस डेटा पे वर्क कर रहे हैं, ये देखने में एक पत्ती की तरह लग रहा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं डेटा वैल्यूज, प्रिडिक्शन वैल्यूज हैं, इसमें कुछ एक्चुअल वैल्यूज हैं और कुछ फ्यूचर वैल्यूज हैं। पुरानी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, आज गुलशन कुमार की सैलरी 25,000 है तो आने वाले 5 साल बाद गुलशन कुमार की सैलरी कितनी होगी, ये कैलकुलेट अगर करना है तो हम जाएंगे रिग्रेशन मॉडल पर। ऐसा कोई भी मॉडल जिसमें कॉन्टिन्यूस डेटा पर काम होता हो, जैसे आज का मौसम 19 डिग्री है तो आने वाले समय में कल ये मौसम कितने डिग्री पर काम करेगा, कल कितना टेम्परेचर रहेगा, ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, अगर मुझे इस पर जज करना, जजमेंट देना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, आज का मौसम चाहिए, कल का मौसम चाहिए, आज से कुछ दिन पहले का मौसम कैसा रहा वो मुझे डिटेल्स चाहिए, यानी क्या चाहिए मुझे, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में डेटा चाहिए। सैलरी प्रिडिक्शन करना हो, वेदर फोरकास्ट करना हो, इन सब के लिए क्या चाहिए, रिग्रेशन मॉडल यहां पर काम करेगा, कॉन्टिन्यूस डेटा चाहिए। अब सैलरी का एग्जांपल यहां पर हमने क्लियर किया, रिग्रेशन को और थोड़ा सा फिर समझते हैं। देखिए एक और एग्जांपल है यहां पर, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है कि अगर सैलरी एक्सपीरियंस के बेस पर हो, मान के चलिए जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी नियर बाई 20,000, 30,000, 40,000 के आसपास है, यहां एक्सपीरियंसेस हैं, यहां सैलरी है, ये एक्स है, ये वाई है, इसमें दो चीजें हैं, दो तरीके का डेटा है, एक इंडिपेंडेंट डेटा है, एक डिपेंडेंट डेटा है। डिपेंडेंट डेटा किसे कहते हैं, जो किसी पर डिपेंड करता हो। इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं, जिस पर किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, उसके ऊपर कोई डिपेंड कर सकता है या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। लाइक एक्सपीरियंसेस जो हैं ये इंडिपेंडेंट है, इसको डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, सैलरी डिपेंडेंट है एक्सपीरियंस के बेस पर। जिसकी सैलरी अगर 60,000 है तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि उसके डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसका एक्सपीरियंस लगभग 4 साल का, सैलरी के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस नहीं बन रहा है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सैलरी बन रही है। तो डिपेंडेंट और आपका इंडिपेंडेंट,
सो हियर वी आर प्रेडिक्टिंग द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर ऑफ एक्सपीरियंसेस. यहां पर क्या हो रहा है, बिलो इज द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर लीनियर रिग्रेशन. रिग्रेशन के ना कई टाइप होते हैं, उसमें से एक टाइप है लीनियर रिग्रेशन. तो लीनियर रिग्रेशन क्या कहती है, यहां पे वो कहती है एक फॉर्मूला बनाया वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी. यहां पर वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि टारगेट वेरिएबल. मुझे क्या लगाना है, सैलरी का पता लगाना है, वाई मेरी सैलरी है. फिर मैं कहता हूं एक्स क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो मेरे एक्सपीरियंसेस को बता रही है. और फिर मैंने कहा कि यहां पर ये हमारी एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनी, दोनों लीनियर इक्वेशन के कॉफिशियंट है. तो इस तरीके से लीनियर रिग्रेशन जो है कॉन्टिन्यूस डेटा को लेकर के फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने के लिए एप्लीकेबल. कुछ पॉपुलर एप्लीकेशंस क्या हैं, लाइक रिग्रेशन में क्या करते हैं, एनालाइजिंग ट्रेंड्स एंड सेल्स एस्टीमेट. आने वाले टाइम पर कौन सा गाना इस समय ट्रेंड कर रहा है ये पता लगाना हो तो कौन सी टेक्निक काम करेगी, रिग्रेशन टेक्निक काम करेगी. आपने कौन सी मूवी, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो आपने कौन सी मूवी देखनी चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन देने वाला रिग्रेशन है, क्योंकि उसने आपकी वॉच हिस्ट्री देखी है, वो जानता है आपने पहले क्या देखा है, किस तरीके का आपका चॉइस है, किस तरीके का मिक्सचर पर आप काम कर रहे हैं. ऐसे ही सैलरी की फोरकास्ट करना हो, रियल स्टेट प्रेडिक्शन करना हो, मान के चलिए ये एक प्लॉट है और इस प्लॉट की कीमत आज 15 लाख रुपए है, आने वाले 4 सालों में इस प्लॉट की कीमत कितनी होगी, ये प्रेडिक्शन अगर आपको करनी है तो हम क्या करेंगे, रिग्रेशन टेक्निक यूज करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि प्लॉट के आसपास कितने रेलवे स्टेशन बनेंगे, प्लॉट के आसपास कौन कौन से बस स्टैंड होंगे, प्लॉट के आसपास क्या कोई हॉस्पिटल बनेगा, हॉस्पिटल आएगा तो प्लॉट के प्राइस अपने आप इंक्रीज होंगे, इंडस्ट्रियल एरिया आएगा तो प्लॉट के प्राइस डिक्रीज होंगे, घटेंगे. तो प्लॉट के प्राइस की प्रेडिक्शन करना, रियल स्टेट प्रेडिक्शन करना, ये भी काम रिग्रेशन टेक्निक में हो सकता है. आई थिंक आपको समझ में आ रहा है सबको कि रिग्रेशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस डेटा पर काम करती है, जिस पर आपको लगातार डेटा मिलता रहता है और उस डेटा के आधार पर आप एक फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं. एक और प्यारी सी एआई मॉडल है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन. प्यारी सी एआई मॉडल का नाम सुनते तुम्हारा ना माइंड में कुछ और चलने लगा होगा, है ना. तो माइंड अपना एआई पर ही रखते हैं. एआई मॉडलिंग स्टेज में एक और मॉडलिंग स्टेज है क्लासिफिकेशन. रिग्रेशन कहती है कि मैं कॉन्टिन्यूअस डेटा पर काम करती हूं, मुझे चाहिए लगातार डेटा, तब मैं बता सकती हूं कि मेरा फ्यूचर डेटा क्या होगा. क्लासिफिकेशन कहती है मुझे लगातार डेटा की जरूरत नहीं है, मैं इंडिविजुअल एंटिटी पर काम करती हूं. अब इसको बहुत लाइव एग्जांपल से समझते हैं. जैसे अब आप सब मेरे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है. अब मान के चलिए आप सब मेरे सामने बैठे हुए हैं. अब मुझे किसी ने कहा कि एक काम करो गुलशन जी, इनमें से कितने बच्चे ट्रैक सूट को पहने हुए हैं उनको अलग करो. तो एक बार ट्रैक सूट वाले स्टूडेंट्स खड़े होइए, ठीक है. ये क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन हो रहा है. मैंने क्लासिफाई कर दिए, मेरे को किसी ने रूल्स बताए. क्या मुझे इसमें किसी के कॉन्टिन्यूस डेटा की जरूरत पड़ी क्या? क्या मैंने कहा रोल नंबर वाइज खड़े हो जाओ क्या? अगर मैं कॉन्टिन्यूस होता तो 1, 2, 3 ऐसे रोल नंबर वाइज बोलता, या फिर मैं कहता भाई पहले ए वाले खड़े हो, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले. नथिंग, मुझे तो केवल एक इंस्ट्रक्शन मिली, जिन बच्चों ने ट्रैक सूट पहना है वो खड़े हो जाइए. वो डेटा इन सारे डेटा में से क्लासिफाई होकर अलग निकल करके आ गए. प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए. वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं. क्लासिफिकेशन क्या कहता है, इट इज अ रूल बेस्ड सुपरवाइज लर्निंग एआई मॉडल. अब आप यहां देखिए ध्यान से, क्लासिफिकेशन पे क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, बीच में ये डॉटेड लाइन है. इस डॉटेड लाइन पर इधर पर्पल लाइन में कुछ डॉट्स हैं और इधर ग्रीन लाइन में कुछ डॉट्स हैं. ये दोनों डॉट्स वैल्यूज हैं. अब आप इसे ऐसे मान के चलिए, ये वो डॉट लाइन है जो कह रही है इधर ट्रैक सूट वाले स्टूडेंट है और इधर, यानी पूरी क्लास बैठी है जिसमें ट्रैक सूट के साथ भी स्टूडेंट और विदाउट ट्रैक सूट भी बैठे हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम ने क्या काम किया, तुरंत कैटेगराइज कर दिया, क्लासिफाई कर दिया. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम डिस्क्रीट डेटा पे काम करती है, इंडिविजुअल एंटिटी पे काम करती है. सो इट्स नॉट नीड कॉन्टिन्यूस डेटा. और क्लासिफिकेशन में क्या होता है, टेस्टिंग डेटा डाल करके क्लासिफाई कर लिया जाता है. जैसे मान के चलिए ये तो एक तरीका हुआ कि ट्रैक सूट वाले खड़े हो जाओ,
मान लीजिए चार बच्चे और आ रहे हैं क्लास के अंदर, अब उन चार बच्चों में भी मशीन ये जज कर ले कि ये ट्रैक सूट में है और ये ट्रैक सूट में नहीं है। इसे टेस्टिंग डेटा, दो डेटा पे काम होता है, एक होता है ट्रेनिंग डेटा और एक होता है ट्रेनिंग डेटा, वो डेटा जिससे एआई मॉडल को, एआई मशीन को ट्रेन किया जाता है, और टेस्टिंग डेटा वो डेटा जिससे एआई मॉडल को जज किया जाता है, चेक किया जाता है कि क्या एआई मॉडल वो रिप्लाई दे रहा है जैसा मैंने उसको सिखाया। अगर मैंने 2+2=4 सिखाया, 3+3=6 सिखाया, तो मैंने आपको 2+2 नहीं सिखाया, मैंने आपको एडिशन करना सिखाया, जोड़ना सिखाया। अब मैं आपसे एग्जाम में पूछूं, बताओ 15+15 कितना होता है? 30 होता है, क्योंकि आपने वैल्यूज पे काम नहीं किया, आपने इक्वेशन पर काम किया, आपने फॉर्मूले पर काम किया कि एडिशन करते कैसे हैं। सो क्लासिफिकेशन में भी क्या होता है, जब हम रूल्स बताते हैं तो रूल्स को डेटा से मतलब नहीं होता, फिर वो डेटा को अपने आप जज करता है कि ये डेटा किस किस कैटेगरी में आता है, किस किस कैटेगरी में काउंट होता है। क्लासिफिकेशन को और थोड़ा अच्छा समझते हैं, एक और एग्जांपल देखिए, यहां पे लिखा है इफ वी वांट टू ट्रेन अ मॉडल टू आइडेंटिफाई इफ एन इमेज इज ऑफ अ गिटार और अ पियानो। मान के चलिए एक एआई मॉडल है जिसे ये पहचान करनी है, ये प्रेडिक्शन करनी है कि वो एआई मॉडल जो है गिटार, अगर उसके सामने आए तो वो ये बता सके कि ये गिटार है और ये एक पियानो है। तो गिटार और पियानो को जज करने का काम वो कैसे कर सकता है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, वो तब कर सकता है जब हमें गिटार के बारे में पता होगा। मैंने कैसे पता लगाया कि ये बच्चा ट्रैक सूट में है, इसका मतलब मुझे पहले पता होना चाहिए ना कि ट्रैक सूट कैसा होता है, ट्रैक सूट कितने तरीके के हो सकते हैं, ट्रैक सूट पहन के बच्चा कैसा दिखता है, बड़ा कैसा दिखता है, बूढ़ा कैसा दिखता है, मुझे पहले से रूल्स पता होंगे ना। ऐसे ही एआई मॉडल को हमने क्या किया होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ गिटार की इमेजेस उससे देकर सिखाया होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ पियानो की इमेज देकर सिखाया होगा, फिर हमने एक पियानो की इमेज उसके सामने रखी और उसने उस ऑब्जेक्ट को तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया, ये एक पियानो है। ये क्लासिफिकेशन टेक्निक ऐसे काम करती है। बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर चाइना के अंदर चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस थाने के अंदर एक लिखा होता है कि ये जो है थेफ्ट है, ये चोरी के केसेस के वो हैं जो लोग हैं। अब उनको रेलवे स्टेशन पर कैमरे लगे होते हैं, उन कैमरे के थ्रू क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लगाई हुई है कि अगर ये फेस मैच करता दिख जाए तो तुरंत उस ऑब्जेक्ट को हाईलाइट किया जाए। आजकल सीसीटीवी कैमरे में इतनी भी आ गया है कि अगर सीसीटीवी कैमरे के सामने कोई नहीं है तो ठीक है, कैमरा चल रहा है, लेकिन जैसे ही उस कैमरे के सामने कोई चलता हुआ नजर आ जाए, कोई एक्टिविटी करता हुआ नजर आ जाए, तो सीसीटीवी तुरंत उसको इंडिकेट करना शुरू कर देता है। हालांकि ये एक रूल बेस्ड अप्रोच है, ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक तरीका है कि कुछ सेंसेशनल जब होने लगता है, कुछ अनयूजुअल सा होने लगता है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करना है कि क्लासिफिकेशन के थ्रू इजीली हो सकता है। पीछे वालों को भी क्लियर हो रहा? चलिए देखो एक और प्यारा सा एग्जांपल। इन क्लासिफिकेशन अ प्रोग्राम लर्न्स फ्रॉम द गिवन डेटा सेट और ऑब्जर्वेशंस एंड देन क्लासिफाई न्यू ऑब्जर्वेशंस इनटू अ नंबर ऑफ क्लासेस और ग्रुप। जनरली क्लासिफिकेशन क्या क्लासिफाई करता है, यस और नो, जीरो और वन, ये या ये, ठीक है ना, दो कैटेगरी जनरली डिसाइड करता है। एक एग्जांपल है यहां पे, मान लीजिए वन ऑफ द कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज द फिल्टरिंग ईमेल्स इनटू स्पैम और नॉन स्पैम। ईमेल फिल्ट्रेशन, कई बार हमें ईमेल रिसीव होती हैं, आप लोगों का इतना काम नहीं होता लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ईमेल्स आती है। ईमेल्स में कई तरीके की ईमेल्स होती हैं, कुछ ईमेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ ईमेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, जिसमें स्पैम होता है, फेक आईडीज होती हैं और वो हमें किसी ना किसी तरीके से हमारे साथ फ्रॉड करना चाहती हैं, जनरली एडवर्टीजमेंट से जुड़ी हुई ईमेल्स होती हैं। तो ऐसी मेल को जो ईमेल कंपनी है वो फिल्टर करती है अपने आप कि कौन सी ईमेल इस पर्सन के लिए जरूरी है, कौन सी ईमेल इस पर्सन के लिए जरूरी नहीं है। तो ईमेल फिल्टर करना ये भी क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है। नीचे देखिए, यहां पर कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ ग्रोसरी आइटम्स हैं, ये सब एक साथ रखे हैं, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लगाया तो क्या हुआ, वेजिटेबल्स अलग हो गई और ग्रोसरीज अलग हो गई। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ क्लासिफिकेशन। कई बार डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स एक साथ रखी होती है और मम्मी हमें कोई काम बता देती है, एक काम कर इसमें से जितने भी मटर के दाने हैं निकाल करके अलग कर दे। अब मम्मी ने क्या बताया तुम्हें, रूल बताया, क्या अलग करना है, मटर के दाने अलग करने हैं,
तुम्हारे पास रूल्स भी है, डेटा भी है, सामने पड़ा हुआ डेटा, तुमने क्या किया, मटर के दाने उठाए और डाल करके रख दिए। क्या गलती से कभी अंगूर का दाना भी उठा सकते हो? उठा तो लोगे, लेकिन फिर आप देखोगे अरे नहीं ये तो मटर का दाना है। जस्ट एआई मॉडल बिल्कुल ऐसा ही करता है। एआई मॉडल हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक ऑब्जेक्ट को जज करता है, चेक करता है कि क्या ये बिल्कुल मैं ठीक क्लासिफिकेशन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो एआई मॉडलिंग में क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से काम करता है। आई थिंक रूल बेस्ड अप्रोच, लर्निंग बेस्ड अप्रोच, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, किसी को कोई डाउट है? No, sir. पक्का? Yes, sir. आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. यहां कुछ डिटेल में डिफरेंस है, ये स्क्रीनशॉट्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा कि अगर दोनों में डिफरेंस करना हो क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में तो कैसे कर सकते हैं। जैसे ये डिस्क्रीट डेटा पे काम करता है, ये कॉन्टिन्यूअस डेटा पे काम करता है। स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन, डिजीज प्रिडिक्शन, किसको कौन सी बीमारी है ये पता लगाने के लिए भी हम क्लासिफिकेशन टेक्निक का यूज करते हैं। रिग्रेशन में हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, रेनफॉल प्रिडिक्शन, बारिश होगी कि नहीं होगी, ऐसी कॉन्टिन्यूअस प्रिडिक्शन करना हो तो ये एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। यहां पर इवैल्यूएशन मैट्रिसेस के अंदर रिकॉल F1 स्कोर को कैलकुलेट करते हैं और रिग्रेशन के अंदर मीन स्क्वायर एरर R2 स्कोर, यानी कि एक तरीके से मीडियन निकाल करके रिजल्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं। एक और रेफरेंसेस की ये स्लाइड है, ठीक है, ये बहुत डीप में स्टडी करने के लिए, क्योंकि हमने अभी कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, उसी को रिटर्न कैसे करना है वो यहां पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तीसरा एआई मॉडल आता है और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये 9th में भी है और 10th में भी है। जितना अच्छा आपको समझ में आ जाएगा वही आपको 10th में भी काम आएगा। 10th में भी बहुत ज्यादा इनके बारे में वाइड डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये जो एग्जांपल्स हैं ये हमारे लिखने में बहुत हमारी हेल्प करते हैं। तीसरी टेक्निक है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या कहता है? क्लस्टरिंग का काम है जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, डेटा अननोन है, ऐसी चीजें जो आपने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है, जब उस डेटा के साथ आपको काम करना है तो ये टेक्निक मेरी कहलाती है क्लस्टरिंग टेक्निक। जब आप कहीं जाएं और आपको कुछ पता ना हो और आपको कुछ मिले तो आप उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, आपका माइंड सोचने लगता है कि मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ये एक लाइव एग्जांपल है। एक रेस्टोरेंट में गए तो वहां पे मैंने एक मूवी के अंदर सीन देखा था, तो एक लेडी के सामने एक बाउल के अंदर एक छोटी सी पिल आई, गोली सी आई, तो उसे लगा ये गोली शायद खाने के लिए है, तो उसने उस गोली को मुंह में डाला और वो खाने लगी। लेकिन उसने देखा थोड़ी देर बाद उसके सामने भी एक जो पर्सन बैठा हुआ है उन्होंने क्या किया, गर्म पानी का कैटल लिया और उस गोली के ऊपर डाला तो वो एक नैपकिन बन गया, तो उसे कितना एम्बैरेस फील हुआ। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके लिए वो जो गोली थी वो पहली बार आई थी, उसके लिए अननोन डेटा सेट था वो। एआई मॉडलिंग के अंदर, क्लस्टरिंग टेक्निक के अंदर भी ऐसा ही होता है कि डेटा अनलेबल्ड होता है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन थे जिसमें डेटा लेबल्ड डेटा था। लेबल्ड डेटा क्या होता है? जिसमें डेटा भी होता है और डेटा की इंफॉर्मेशन भी होती है। एक मां जब बच्चे को सिखाती है, बच्चा केला खा रहा है, बच्चे को नहीं पता केला है क्या है, बच्चे को मम्मी ने कहा केला खाएगा बेटा, इट इज कॉल्ड बनाना, तो बच्चे को याद हो गया कि ये क्या है, बनाना है। अब बच्चे के सामने अगर फ्रूट्स का केला भी ला के रख दो ना, मतलब एक डमी भी ला के रखोगे तो बच्चा क्या बोलेगा, बनाना बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि उसको सिखाया गया, उसको दिखा करके बताया गया कि इसे ये कहते हैं। जैसे मैं आज तुम्हें सिखा रहा हूं कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन क्या होता है क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका था, अब जब तुम्हारे सामने कभी एग्जांपल आएगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन है या क्लस्टरिंग होने वाला है। कब? जब तुम्हें ट्रेनिंग दी जा चुकी है। यहां क्या हो रहा है? लर्निंग बेस्ड अनसुपरवाइज लर्निंग एआई मॉडल, द मशीन जनरेट्स इट्स ओन रूल्स और एल्गोरिदम टू डिफरेंशिएट अमंग्स द गिवन डेटा सेट टू अचीव द प्री डिसाइडेड गोल। प्री डिसाइडेड गोल, गोल भी तय है, आंसर भी तय है। बताया था लर्निंग बेस्ड अप्रोच क्या देते हैं? डेटा देते हैं, आंसर भी देते हैं, लेकिन रूल क्या होंगे ये पता लगाना क्लस्टरिंग का काम है। देखिए
यहाँ पे यूजुअली यूज अनलेबल्ड और रैंडम डेटा, डेटा कुछ भी हो सकता है, अनलेबल्ड है, पता ही नहीं है डेटा क्या है, पता नहीं क्या वैल्यू डाल दी, कुछ भी डाल दिया, कुछ भी, ठीक है। एक एग्जांपल अभी आगे बताऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इस तरीके से क्लस्टर बन जाएंगे, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज बन जाएंगे। जैसे यहां देखिए एक एग्जांपल दिया है, इफ यू हैव अ रैंडम डेटा ऑफ द स्ट्रे डॉग्स व्हिच लिव्स इन योर लोकैलिटी, आपके आसपास की लोकैलिटी में जो गलियों में जो कुत्ते हैं वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग नस्लों के कुत्ते होंगे, और वो सभी कुत्तों का डेटा कलेक्ट कर लिया गया, इमेजेस क्लिक की गई। अब उन स्ट्रे डॉग्स की इमेजेस को लेकर के एक क्लस्टरिंग मॉडल के अंदर डाल दिया गया। कौन से मॉडल में डाला गया? क्लस्टरिंग है, वो कुछ भी कर सकता है। एक बच्चा तो बच्चा है जिसको कुछ नहीं पता, जिसको नहीं मतलब कि भाई ये किस तरीके से इसको ट्रीट करना है, वो तो अपने तरीके से ट्रीट करेगा। तो एआई मॉडल ने क्या किया, एआई मॉडल ने कहा चलो मैं देखता हूं कि ये जो सारे डॉग्स हैं ये एक हाइट के लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? इसमें ब्लैक कलर का भी है, इसमें हल्का डार्क कलर का भी है, व्हाइट कलर का भी डॉग है, लेकिन ये एक जैसी हाइट के डॉग हैं, तो उसने एक क्लस्टर बना दिया, यानी एक कैटेगरी बना दी। दूसरे के अंदर उसने कहा यार ना ये सारे जो डॉग्स हैं ये एक जैसे फेस वाले हैं, इनका चेहरा एक जैसा दिखता है, क्यों ना इनको एक तरफ कर दिया जाए। तो ये भी उसने एक दूसरा क्लस्टर बना दिया। क्लस्टरिंग की सबसे बड़ी ब्यूटीफुलनेस यही है कि इसमें व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इसमें व्यक्ति नहीं करेगा, इसमें एआई मशीन कुछ भी रूल्स डिसाइड करने की कोशिश करेगी और कुछ ट्रेंड पता करने की कोशिश करेगी, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। वो यहां देखिए क्या कहता है, द एल्गोरिदम वुड देन एनालाइज, वुड लिखा है यानी करेगी, कुछ भी कर सकती है, फिक्स नहीं करेगी। फिक्स तब होता जब इसमें रूल बेस्ड होता, जिसमें रूल्स पहले से होते, यहां तो रूल्स बनाने हैं इसे। तो इसने क्या किया, द डेटा एंड डिवाइड देम इनटू क्लस्टर अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज। अब वो देखेगी कि इसमें क्या सिमिलैरिटीज मिल रही है डेटा के अंदर, ट्रेंड पता करेगी। क्लस्टर आर देन गिवन एज द आउटपुट, क्लस्टरिंग वर्क्स ऑन डिस्क्रीट डेटा, इसमें भी डेटा डिस्क्रीट होता है, ठीक है। एक तो ये स्ट्रे डॉग्स का एग्जांपल हो गया, अकॉर्डिंग टू बुक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, पहले क्लस्टरिंग की एक और छोटी सी शॉर्ट डेफिनेशन है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। यहां क्या कहता है क्लस्टरिंग, अ वे ऑफ ग्रुपिंग द डेटा पॉइंट्स इनटू डिफरेंट क्लस्टर, दिए गए डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बनाना, ये क्लस्टर का काम है। जैसे ये एक रो डेटा है, इसमें नहीं बताया गया कि क्या डेटा है, इसमें स्ट्रॉबेरी भी है, इसमें मैंगो भी है और इसमें एप्पल भी है, तीन तरीके का डेटा है। क्लस्टर ने क्या किया, कलर को मैच कर लिया, उसने कलर की सिमिलैरिटी पकड़ी, उसने कहा येलो वाले एक तरफ पड़ो, उसे नहीं पता कि ये मैंगो है, उसे नहीं पता कि ये एप्पल है, उसे नहीं पता कि ये स्ट्रॉबेरी है, लेकिन उसने क्या सेंस लगाई, कलर। हम भी तो ऐसे ही कर सकते हैं ना, हमारे सामने जब हमें किसी चीज के बारे में ना पता और हमारे सामने ला के रख दी जाए और कहा जाए इनके साथ कुछ करो, तो हम कुछ भी करेंगे ना, और जब हम कुछ भी करेंगे तो हम साइज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं, अच्छे लिखने वाली चीजें हैं इनको एक तरफ कर दो, इनपे लिखा जा सकता है इनको एक तरफ कर दो, अच्छा ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक सा लग रहा है इसको एक तरफ कर दो, कर दिया ना सिमिलैरिटीज देख के क्लस्टर। सेम थिंग एआई मशीन के साथ है, क्लस्टरिंग टेक्निक में ये सब कुछ होता है। लेकिन क्लस्टरिंग से बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसका प्रैक्टिकल यूजेस क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केटिंग कैसे चल रही है, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालाइज करना, सोशल नेटवर्क को एनालाइज करना, इमेज सेगमेंटेशन करना, और इमेज सेगमेंटेशन में इमेज को डीप में जाकर के अंडरस्टैंड करना। जनरली क्लस्टरिंग के अंदर जीपीयू का यूज होता है, सीपीयू सबने सुना है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबने सुना है, जीपीयू होती है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि इसमें इमेजेस का सबसे ज्यादा काम होता है। लॉन्ग डेटा सेट पर क्लस्टर का यूज किया जाता है, क्लस्टर सोशल मीडिया साइट फेसबुक के लिए यूज की जाती है, क्योंकि फेसबुक पे डेटा अनलेबल्ड होता है, रैंडम होता है। मेरा मन कर रहा है आज मैं अकेडमिक कॉन्टेंट डाल रहा हूं, मेरा मन कर रहा है मैं कहीं घूमने गया, मैंने ट्रेवल की भी फोटो डाल दी फेसबुक प्रोफाइल पर, वो तो मेरी मर्जी है, मेरा प्रोफाइल है। अब मैं अनलेबल अनरैंडम कुछ भी डेटा डाल रहा हूं, उस डेटा को भी सिमिलैरिटीज के आधार पे क्लस्टर करके निकालना, ये कौन कर सकता है, क्लस्टरिंग टेक्निक। बिग डेटा की जो टर्म है, डेटा इतना वास्ट हो गया है आज के टाइम में कि डेटा को मैनेज करना, डेटा को एनालाइज करना अपने आप में एक चैलेंज हो गया है। इसके लिए पोस्ट निकल रही है डेटा साइंस एनालिस्ट करके, ठीक है। तो ये मेरी क्लस्टरिंग टेक्निक है। सो क्लस्टरिंग टेक्निक हमने AI,
चैप्टर 3 न्यूरल नेटवर्क के बारे में तो अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे, और न्यूरल नेटवर्क के अंदर ही ये रीविजिट साइकिल था हमारा, रूल बेस्ड अप्रोच, लर्निंग बेस्ड अप्रोच। अब बताइए एक बार ये कैमरे सबकी तरफ कर दीजिए, अपने बताइएगा हमने क्या क्या पढ़ा है। नंबर एक हमारी स्टडी हुई है रूल बेस्ड अप्रोच, हमने क्या सीखा रूल बेस्ड कैसे काम करता है। दूसरी अप्रोच क्या थी, एक साथ बोलिए क्या थी। तीसरी अप्रोच रिग्रेशन, उससे अगली और तीसरी क्लस्टरिंग। अच्छा बताइए क्लस्टरिंग जो है वो सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। अनसुपरवाइज्ड है, वेरी गुड। अब ये बताइए लेबल्ड डेटा, डेटा विद इंफॉर्मेशन, ये सुपरवाइज्ड में आएगा या अनसुपरवाइज्ड में। सुपरवाइज्ड, वेरी गुड। कॉन्टिन्यूस डेटा किस एल्गोरिथम में चाहिए, रिग्रेशन में चाहिए। अच्छा डिस्क्रीट डेटा कौन कौन सी एल्गोरिथम में लगता है, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग। बहुत बढ़िया। रूल बेस्ड अप्रोच का मेन फंडा क्या है, रूल्स प्लस डेटा देन आंसर, वेरी गुड। एंड लर्निंग बेस्ड अप्रोच का फंडा क्या है, बहुत बढ़िया। आप बोलिए, आप बोलो जरा, आप सिंगल बोलो। रूल देते हैं, आंसर देते हैं और वो खुद बताता है एल्गोरिथम। रूल नहीं देते, डेटा देते हैं, आंसर देते हैं और मशीन डिसाइड करती है कि रूल्स क्या होगा इस पर्टिकुलर आंसर तक पहुंचने के लिए। तो आई थिंक आपको एआई प्रोजेक्ट साइकिल में मॉडलिंग स्टेज के बारे में प्रॉपर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे न्यूरल नेटवर्क की, एक्चुअल में न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है।